ओरिएंटेड होना पड़ता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस हमें टॉपिक्स ओरिएंटेड होना पड़ता है कि कौन कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलरली आने वाले हैं. तो जो बच्चे मतलब जिन्होंने इनरोल नहीं करा हुआ था एंड दे जस्ट ओनली वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन क्रैश कोर्स, सो उनको ये रहेगा कि हम सिर्फ उस पार्ट पे फोकस करेंगे जिसमें से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस होते हैं. एंड जिन बच्चों ने ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ था वो इनरोल है, अगर वो ये क्रैश कोर्स लेते हैं तो उनका एक तरह से क्विक रिविजन होता है. एंड क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब Hello and welcome, Neet Warriors. So today we are going on the journey of determination, success and knowledge. So I'm your host Nishi from Topmost Academy, and today we are going to discuss and unlock some interesting secrets to crack NEET exam in the upcoming year of 2024. So for that, today we have Dr. Shivani Sharma, who is also a biology faculty at Topmost Academy. So welcome to our show, ma'am. Hi, ma'am. So let's start with my first question, please. Okay, ma'am. So my first question is that हमारे Topmost Academy में हर तरीके का बच्चा आता है. Well, पास आउट बच्चे आते हैं, नॉर्मल बच्चे आते हैं, ध्यान रखने के लिए भी तो बच्चे भी आते हैं. एंड आपको ही पता हमें क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं. सो क्या स्ट्रेटेजी होने चाहिए हर बच्चे के लिए, चाहे वो रिपीटर हो, ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, क्या इन सबकी स्ट्रेटेजीज अलग होनी चाहिए या आप अपने अकॉर्डिंग बताइए इनको क्या स्ट्रेटेजीज, क्या पैटर्न फॉलो करना? बेसिकली जो ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले से ही ड्रॉप लिया हुआ है और जो मतलब पहले से ही इनरोल है कोर्स में फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल और द मे, सो उन स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स लेने का बेनिफिशियल ये होगा कि उनकी एक तरह की रिवीजन होगी. क्रैश कोर्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डाउट्स कि क्रैश कोर्स होता क्या है. तो वेल आई विल एक्सप्लेन दैट कि क्रैश कोर्स करने का मतलब होता है कि हम उस चीज़ों पर पर्टिकुलरली फोकस करते हैं जो चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड होती है. बेसिकली जो पूरे ईयर में हम सब सिलेबस कंप्लीट कराते हैं 11th एंड 12th का, बट क्रैश कोर्स में वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ अ टाइम, तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना पड़ता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस हमें टॉपिक्स ओरिएंटेड होना पड़ता है कि कौन कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलरली आने वाले हैं. तो जो बच्चे मतलब जिन्होंने इनरोल नहीं करा हुआ था एंड दे जस्ट ओनली वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन क्रैश कोर्स, सो उनको ये रहेगा कि हम सिर्फ उस पार्ट पे फोकस करेंगे जिसमें से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस होते हैं. एंड जिन बच्चों ने ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ था वो इनरोल है, अगर वो ये क्रैश कोर्स लेते हैं तो उनका एक तरह से क्विक रिविजन होता है. एंड क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब ही यही होता है कि आप सिर्फ उन टॉपिक्स पे पर्टिकुलरली फोकस करो जो एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि एक बच्चा एक साल से ड्रॉप कर रहा है और एक बच्चा दो महीने में कर रहा है. तो यस, हमारा दो महीने में जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज होती है बेसिकली हम इसी माइंड ऑफ सेट के साथ चलते हैं कि जो पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चन आते हैं हमारे नीट में उस पर हम ज़्यादा फोकस करें रेदर देन दी अदर पार्ट. एंड बायोलॉजी तो आप लोगों को पता है कि लाइक इसमें से तो मोस्ट 50% तो यही कवर कर रहे हैं. तो बायो में मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये छोड़ दो ये आ जाएगा, बट यस बायो में भी जिसमें मेजॉरिटी के क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं वो वाले पार्ट पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा एंड हमारे और भी टीचर्स का फोकस रहेगा. एंड हम यहाँ इसमें डीपीपीस प्रोवाइड कराएंगे एंड डेली बेसिस पे हम टास्क देंगे कि आज का टास्क है इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने आप लोगों को एंड कल इसे टेस्ट प्रैक्टिस होगी एंड एवरी वीक बच्चों के टेस्ट होंगे. सो ये स्ट्रेटेजीज के साथ हम फॉलो करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा कि आपको पता कि सिलेबस चेंज हुआ है. हाँ. अब ये नहीं पता अपडेट हुआ है या उसमें कुछ चीजें रिलैक्सेशन दिया गया है सिलेबस में, ये आप थोड़ा सा बचाइए हमारे बच्चों को बताइए. हाँ, अगर मैं बात करूँ सिलेबस रिडक्शन की, या सिलेबस रिडक्ट तो हुआ है एंड कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बायो में ऐड भी हुए हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं जियोलॉजी प्रोपोर्शन की बात करती हूँ तो डाइजेशन एंड इट्स अब्सॉर्प्शन वाला चैप्टर है, इट कम्प्लीटली डिलीटेड, वो नहीं आने वाला. एंड हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चों को कन्फ्यूजन ये है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करें या न्यू एनसीईआरटी फॉलो करें, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो. द रीज़न बिहाइंड इज दैट क्योंकि आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें टिश्यू चैप्टर नहीं है, बट अगर आप सिलेबस देखोगे जो एनटीए ने गाइडलाइंस दी है उसने उसमें टिश्यू मेंशन किया हुआ है, तो आप न्यू एनसीईआरटी में से कहाँ से टिश्यू पढ़ोगे, नहीं पढ़ सकते. तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर
करना पड़ेगा। एंड एक कंफ्यूजन और थी बच्चों को कि इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग दिया हुआ है। सो रिसेंटली NTA ने दोबारा से अपडेट कराई गाइडलाइंस और उसने बताया है कि इंसेक्ट भी आने वाला है एंड फ्रॉग भी आने वाला है। सो जो ड्रॉपर्स है दे ऑलरेडी नो दैट कि इंसेक्ट सिर्फ हमारे पास एक ही है, दैट इज कॉकरोच ओनली। सो कॉकरोच भी आएगा, फ्रॉग भी आएगा। एंड जो चैप्टर डिलीट हुआ है वो सिर्फ डाइजेशन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन है जो कम्प्लीटली रिड्यूस्ड हुआ है। एंड न्यूरल कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है उसमें से आई और जो ईयर वाला पार्ट था वो डिलीट हुआ है। वो बाकी का जो चैप्टर है वो एज इट इज आ रहा है, बस सिर्फ ईयर एंड आई डिलीट हुआ है। एंड जो एडिशंस हुए हैं टॉपिक्स में वो एक आपका टबैको वाला हुआ है, टबैको एब्यूज एंड डेंगी आ रहा है एंड चिकनगुनिया आ रहा है। ये 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स है विच इज एडेड ऑन द जियोलॉजी सेक्शन। एंड एक एनिमल हस्बेंड्री वाला चैप्टर था, वो तो मुझे भी लगता है इट इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट क्योंकि उसका कोई यूज नहीं था, तो वो रिड्यूस कर दिया है। बट दैट डजंट मीन कि अगर सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है तो दैट इज क्वाइट रिलैक्सेशन, क्योंकि अब NTA किस पे फोकस करेगा, अब वो मोर फोकस करेगा और मोर डिटेलिंग में आपसे पूछेगा। तो येस, यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दैट। एंड जो टॉपिक साइड में वो भी बहुत ईजी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल डेंगी चिकनगुनिया वो हम वैसे भी पढ़ाती थी, अब थोड़ा और डिटेल्स में बता देते हैं, दैट्स इट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टडी मटेरियल को लेके, साइड बुक्स को लेके, ऐसा कौन सी हम चीज है, क्या रेफरेंस बुक्स हम बच्चों को रेफर करें अपने यहाँ में नॉपर्स अकेडमी में, या आप अपने पर्सनली कुछ बता सकते हैं। ओके, सो मैं ऑलरेडी नीट एस्पायरिंग रह चुकी हूँ और मैंने बहुत सारी जर्नीज देखी हैं, तो आई नो इस टाइम जो ये टाइम फेज ही होता है ये बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कई बार जब हमारे मार्क्स नहीं आते, जब हमारे एग्जाम्स चलते हैं, जो कोचिंग में हमारे टेस्ट होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो अपने ऊपर पीयर प्रेशर होता है कि यार हमें सीट लेनी है, ऊपर से पेरेंट्स का पीयर प्रेशर होता है, वो रहता है। तो पहली बात तो आप रिलैक्स रहो, ठीक है, आप अपना 100% दो, अपना गोल डिटरमाइन रखो एंड रेस्ट अप टू दी डेस्टिनी, मेरा मानना ये है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपको बुक्स प्रेफर करनी है बायोलॉजी में, सो बायोलॉजी अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखोगे तो वो कम्प्लीटली प्योर NCERT है, तो आप कोई भी XYZ बुक्स पे आपको जाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपकी प्योर NCERT आ रही है आप उसको फॉलो करो। एंड जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो तो हम अपने क्लासरूम में आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो 0.1% एक्स्ट्रा आना है। एंड मैं बायोलॉजी में फर्स्ट लाइक NCERT इज लाइक एवरीथिंग, NCERT को या तो गीता मान लो, बाइबल, कुछ भी मान लो, इट्स अप टू यू गाइस कि आप क्या मान रहे हो, क्योंकि NCERT ही आनी है। अभी लास्ट ईयर का पेपर था, इतना इजी पेपर था, प्योर NCERT पूछा हुआ था, उस मैनिपुलेट करके पूछ देते हैं, उसमें बच्चों को लगता है हाय क्या पूछ लिया, ऐसे नहीं है, प्योर NCERT आना है। एंड हाँ, आप क्या करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितनी आप कर सकते हो, PYQs उठाओ, PYQs लगाओ, और जितने भी DPPs होते हैं जो आपको कोचिंग में मटेरियल मिला हुआ है, जितने भी प्रैक्टिस बुक है वो सॉल्व करो, उससे होगा क्या कि आपके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप जब क्वेश्चंस लगाओगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अगर आप चैप्टर पढ़ के बैठ गए हो और घर जाके आप सोच रहे हो कि यस अब हमें बायो पूरी आती है, तो आपसे बड़ा फुलिश तो कोई नहीं है, क्योंकि आपके नहीं, जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वेदर इट इज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बच्चों का मिथ होता है बायो है, अरे यार ये तो कर लेंगे, इसमें क्या है, बहुत से बच्चे लास्ट में आते आते बायो की क्लासेस बंक करने लग जाते हैं, अरे बायो तो 360 दिलाएगा तुम्हें, उसी को छोड़ रहे हो आप लोग, नहीं, बायो को इक्वली इम्पॉर्टेंस देनी है, NCERT बेस्ड रहना है, एंड जो आपके टीचर आपको क्लासरूम में कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है, एंड DPP सॉल्व करने हैं, एंड PYQs लगाओ जितने आप लगा सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजीज थी, मैंने भी ऐसे ही करा था, दैट्स आई गॉट 320+ इन बायो एंड बायो में जियोलॉजी और बॉटनी सेक्शन में, क्योंकि नीट स्टूडेंट्स में होता है फिजिक्स का फोबिया, वी हैव समवेयर, तो फिजिक्स को हम हमेशा लीस्ट पे ही रखते हैं रेदर देन कि ये और देखा जाएगा, तो बायो स्ट्रॉन्ग कर लो, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, तो इजली सिलेक्शन हो जाता है जी। सो एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी आपने बात किया कि बायो हमें पता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एग्जाम के टाइम पर जब बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत लोगों की ये शिकायत होती है, ये चीज़ें सुनने में आई कि नेगेटिव मार्किंग वो ज़्यादा करते हैं, क्या कोई पैटर्न, कुछ स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम उन्हें ख्याल रखना पड़े? सो
क्वेश्चन, जब भी आप क्लास में बैठ रहे हो, जब आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, सो आप मॉक टेस्ट को उतना ही सीरियसली लो कि लाइक ये मेरा नीट का ही एग्जाम्स चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, तो आप किसी भी चीज़ की उम्मीद छोड़ दो कि हम ये कर पाएंगे. अगर आप उस चीज़ को ऐसे लोगे कि यार ये तो मॉक टेस्ट ही है, कोई नहीं, इसमें मार्क्स नहीं आए, नेक्स्ट में कर लेंगे, नहीं, वहीं से आपका डिग्रेडेशन चालू हो जाता है. आपको उसको उतना ही सीरियस लेना है जितना आप अपनी नीट एग्जाम को ले रहे हो. तो आप जब उसको सीरियस लोगे ना, तो आपको बूस्टअप मिलेगी अपनी रैंक. तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि हम बायो वाले हैं, हमारे को डॉक्टर्स बनना है, तो हमारा पहला फेवरेट सेक्शन होना चाहिए बायो. जियोलॉजी सेक्शन दिया, उसमें पहले जब पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं वन गो जा रहे हैं, जो वन गो जा रहे हैं, टिक 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 टिक, ओके, जहां पर आप स्टक हो रहे हो उसे वहीं छोड़ दो. आप मत अटेम्प्ट करो उसे, मैं ये नहीं कह रही उसे छोड़ दो, उसमें दिमाग लग रहा है भी, इट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है सॉल्व करने के लिए. तो जो वन गो है बायो में, उनको मार्क करो जिनमें आप 101% कॉन्फिडेंट हो. जहां पर आप स्टक कर रहे हो, फिर सेकेंड राउंड लगाओ पेपर में, फिर जिन पे आप अटकी थी उनमें थोड़ा सोचो और उनको मार्क करो. अगर आप फिर भी 50-50 हो कि यार ये नहीं होगा, तो लीव इट. क्यों -1 में देना आपको? आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो और -1 में आपकी पूरी रैंक रिड्यूस्ड हो गई है यार, तो आप उसे छोड़ दो वहीं पर ही. जिसमें आप 50-50 हो, लीव दैट क्वेश्चन एंड वन गो करो बायो में. पहले जॉलजी, देन बॉटनी, फिर हमारा फेवरेट होता है बायो का केमिस्ट्री वाला. केमिस्ट्री में पोर्शन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो, देन फिजिक्स. इससे क्या होता है, इस स्ट्रैटेजीज के साथ आप अपना टाइम सेव करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बिकॉज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कंजम्पशंस लगती है टाइम की. अगर आप 1 या 1.5 घंटा पूरा बायो में ही लगा दोगे, तो फॉरगेट इट कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर पाओगे. सो बायो में वन गो होना चाहिए. जहाँ स्टक करो वहाँ दोबारा से राउंड लगाओ एंड उस पर थोड़ा सोचो. अगर आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो लिव इट. नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, क्योंकि -1 करने का मतलब है पूरा गेम पैटर्न ही चेंज कर देना अपना. So, ये strategies होती है. So, can we say कि bio attempt करने पर क्या selection पक्का है, सिर्फ अगर हम bio ही करते हैं? ये तो ऑब्वियसली पता है कि बायो पे सेलेक्ट करने का, बायो अटेम्प्ट करके आने का मतलब सिर्फ आपको मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा. सो ये तो बिल्कुल ही रबिश थिंग है. बट येस, अगर आप बायो अटेम्प्ट करते हो, जिनको प्राइवेट में एडमिशन लेना है या आउट ऑफ इंडिया जाके करना है, सो अगर वो बायो भी अटेम्प्ट करेंगे तो उनके लिए बढ़िया है. बट अगर जिनको मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज करना है, सो बायो में उनका 350+ तो मैक्सिमम होना ही चाहिए एंड देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ओवरऑल 580+ तो होना ही चाहिए. एंड अगर अभी जिन बच्चों के बायो में 320+ आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें और उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है. अगर 300+ भी अगर आपका बायो में नहीं आ रहा, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. यही बोलूँगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स पे हमें इक्वल वर्क करना चाहिए. एंड बेसिकली यू हैव टू कंसर्न ऑन बायो मोर ना. बायो 360 दिला रहे और इजी सब्जेक्ट है. आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो करना है. आई नो बहुत सारा याद करने वाला पोर्शन होता है, बट आपको उसके लिए क्या करना है, मेरी स्ट्रैटेजीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने अपने टाइम पर अटेम्प्ट करी थी. बायो हमेशा मॉर्निंग में पढ़ो. बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए. अब बच्चे क्या करते, बायो को दिन में लेके बैठे हो, फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री कब सॉल्व करोगे? आप उठे हो, उठ के आप बायो सॉल्व करो. बायो में कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर लो, उस चैप्टर को पढ़ो. आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप अपने डेली बेसिस पे टास्क बनाओ, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है. फिर आपका आफ्टरनून स्टार्ट होता है, आफ्टरनून में आपकी कोचिंग होती है, आपका जो भी है, आप जब फ्री हुए हो, फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना शुरू करो. बिकॉज आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते ना इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आप बायो उठा के नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो तो एकदम रिफ्रेश माइंड से पढ़ना चाहता है. फिर आपने वो सब सॉल्व किया एंड देखो कि हमारी कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्या नहीं है, उन पे मेहनत करो. फिर रात में जब आप सोने जा रहे हो, तो जो आपने सुबह चैप्टर पढ़ा था, उसके DPP एंड PYQ सॉल्व करो. इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है. नीट इज ऑल अबाउट दी मेमोरी बेस्ड गेम. अगर आपकी मेमोरी ही शार्प नहीं है, तो आप कैसे करोगे? मुझे पता है क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, दे आंसर एवरी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के आंसर भी कर रहे हैं, उन्हें सब आता है. बट वही बच्चे जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो वो क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं, भूल जाते हैं, तब तक याद नहीं है. जो बच्चा 700+ स्कोर कर रहे हैं, उसकी
मेमोरी बहुत शार्प है, तो आप अपनी मेमोरी इस वे से इंक्रीज कर सकते हैं। एंड दूसरा, बायो में शॉर्ट नोट्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ एग्जाम्पल याद करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे याद करना पड़ता है, एंड एक तरह से रट्टाफिकेशन टाइप ही हो गया। तो आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ, यूज निमोनिक्स कि आप किसे याद करते हो, कोई नहीं आपको पूछ रहा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, निमोनिक्स बनाने स्टार्ट कर दो। एंड जैसे केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, इनऑर्गेनिक में कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक लो और उसे रोज याद करो कि आज मैं ये ब्लॉक लर्न करूंगा, एंड फिर उसके रात में न्यूमेरिकल सॉल्व करो। फिजिक्स में लगता है कि फिजिक्स में उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। अपने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। तो ये सब स्ट्रैटेजीज अगर फॉलो करो तो हो जाता है। एंड अब बच्चे ये भी ना सोचो कि अब दिसंबर आ गया, अब मई में एग्जाम है तो कैसे, नहीं, दिसंबर से ही एक्चुअली सीरियसनेस होना शुरू होता है। 6 months is much more sufficient, बहुत sufficient है, बहुत प्यार से एग्जाम निकलता है। So, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा मैम, के बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन बच्चे अपना थ्रू आउट द जर्नी प्रिपरेशन के टाइम पे देखते हैं, हर तरीके से डिस्ट्रैक्शन उन्हें होता है, उससे बचने के लिए और क्या क्या डिस्ट्रैक्शन वो देखते हैं, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, जब मैं भी टॉपर थी तो मेरे को भी डिस्ट्रैक्शंस आती थी, ऑब्वियसली आती है क्योंकि ये सीज़न भी वेडिंग वाला चल रहा है, तो होता है कि यार सब इंजॉय कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, बट गोल है ना डॉक्टर बनना है, नेम के आगे डॉक्टर होना चाहिए, वो जुनून होता है ना वो होना चाहिए कि लाइक वी विल गोइंग टू बी अ डॉक्टर। सो अगर कुछ आपको पाना है तो हमारे बड़े लोग कहते हैं ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अभी के लिए थोड़ी नींद और थोड़ा इंजॉयमेंट कम कर दो। बट आई सर कि अगर आप जब मेडिकल में जाते हो ना, जब आपको सीट मिलती है, डेट लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बहुत ही अच्छी लाइफ है, आपको सर्व करने का मौका मिलता है, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है डॉक्टर्स की, लोगों ने ऐसी बना रखा है डॉक्टर्स दे आर सो बोरिंग, ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी लाइफ है, इंजॉय आता है, अच्छा लगता है अगर आपको कोई बोले या डॉक्टर ये डॉक्टर वो, तो इट फील सो प्राउड, आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है। एंड आई नो कि डिस्ट्रैक्शंस तो आती ही है, डिस्ट्रैक्शन किसको नहीं आते, वी आर ह्यूमन, हमें डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं, बट ये फोकस ओरिएंटेड रहो, जो आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे अभी के लिए डिस्टेंस बना लो, सिर्फ 6 months की बात है, आप अपनी सीट ले लो, आपके पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे आपको कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, क्योंकि वंस यू सेटल इन योर फ्यूचर पेरेंट्स को भी यही चाहिए। एंड फिर आप ये भी पीयर प्रेशर लेके चलो कि यू हैव टू फेस द सोसाइटी टू, कि आप ले लोगे तो यहाँ सोसाइटी भी आपको यार ये देखो कर लिया, तो एक तरह से रहता है। तो अभी जितना भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, नींद आती है, ये आता है, ये सब बहाने हैं, कि बहाने करने के लिए आप कुछ भी कर लो। मेरे को लगता है जिसे कुछ नहीं करना वो एक्सक्यूज देते हैं, एंड जिनको कुछ करना है वो एक्सक्यूजेस को चैलेंज लेके उसे क्लियर आउट करके अपना गोल अचीव करते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप ये हमारे सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। ओके, जितने भी उनके डाउट्स थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो के थ्रू। आई होप सो, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस ओनली यू कैन जॉइन आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।